भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर कोने में आपको लोक कला के रंग में सराबोर नायाब कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जिनके हाथों में ऐसा हुनर होता है जो देखने वालों को मोह लेता है। इन्हीं में से है भील जनजाति की चित्रकला, जिसका जादू आपको उसकी खूबसूरती में कैद कर लेता है। भील जनजाति के ही एक शानदार कलाकार हैं जोधपुर के मांगीलाल, जिनकी चित्रकला कुछ खास है। वो राजस्थान के पहले ऐसे कलाकार हैं जो मोर के पंखों पर अपना हुनर उकेरते हैं। मेरा नाम मांगीलाल भील है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान की भील जनजाति की भील पेंटिंग लेके आया हूँ। ये जो कलाकृति आपके सामने दिख रही है, ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है गवरी। इस गवरी नृत्य को हम राखी के एक दिन बाद शुरू करते हैं और नवरात्रा के 2-3 दिन तक चलता है नृत्य। राखी के 1-1.5 महीने का इसका समय होता है। ये लेके आए हैं, मुझे ये कलाकृति बनाते हुए करीब 20-22 वर्ष हो गए हैं। मांगीलाल अपनी भील जनजाति की लोक कला और संस्कृति को मोर के पंखों पर बड़ी खूबसूरती के साथ सजाते रहे हैं। वो अपनी इस अद्भुत कला को साल 2019 से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे पहले जब हमारे मम्मी नानी दादी और उनके पुराने जो पुरखे थे वो इसको दीवारों पे बनाते थे, मैं राजस्थान से पहला कलाकार हूँ जो इस जो बिल पेंटिंग को है कपड़े कैनवास और मोरनी के पंख पर लेके आया हूँ। ये 2021 से मैंने मोर के पंख पे ये पेंटिंग बनाना शुरू करी। 2015 से मैंने कैनवास और कपड़े पे बनाना शुरू करा है। इसके पहले मैं ये काम को धीरे धीरे सीख रहा था। इसके अलावा मैं जो आदिवासी नृत्य हो गया, शादी और जो हमारे रस्में होती है उनके आधारित मैं काम करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख देवी देवता हैं, गणेश जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, शिव जी हैं, कृष्णा हैं और ट्री ऑफ लाइफ है, और जो भी जो हमारे जंगल में जो हम जानवर को देखते हैं उनको मैं चित्रित करता हूँ। ये जो पेंटिंग है मैंने सबसे पहले उड़ीसा में इसकी मैंने एग्जीबिशन लगाई और उसमें मोर पंख पे जो मैंने पेंटिंग बनाई वो बहुत अच्छी बिकी। उसके बाद मेरी पेंटिंग आदि महोत्सव में अगले साल भी लगी थी, उसमें भी मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी बिकी। और भारत पर्व लाल किले पर अभी 26 जनवरी से हुआ, उसमें भी मेरे काम को बहुत सराहना और मिली। और मुझे हाल ही में अभी 15 नवंबर को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, जो इस भील कला को अनेक स्टेट में पहुंचाने के लिए, मेरी कलाकृति को बनाने के लिए। 2021 में जब कोरोना काल था, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तब हमारे घर के आसपास जो मोर घूमते रहते थे, मोर के पंख पड़े रहते थे और बाजार नहीं था, कहीं से भी हम कैनवास लाए या कपड़ा लाए कुछ भी लाए, तो मैंने मोर के पंख को देखा, वो गिरा हुआ मिला, वो एकदम सही था। फिर मैंने उसको लिया और मैंने देखा कि क्या इस पर भी कुछ कलाकृति हो सकती है। फिर मैं घर पे लाने के बाद मैंने उस पर छोटे से कुछ फूल बनाए, पत्ती बनाई, वो बनने लगी। और मैंने पहली बार उड़ीसा में जब मेरी पेंटिंग मोर पंख पे लगाई तो उसका अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला और धीरे धीरे मैंने इस पर सुधार करते हुए बहुत सारी चीज़ें इस पर बनाने लगा। वहाँ पर मेरी जो ये बनाई हुई पेंटिंग है सारे लोग पसंद कर रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये पेंटिंग क्या मोर के पंख पे भी बन सकती है, किसी चिड़िया के पंख पे बन सकती है। तो लोगों ने बहुत ही सराहा और बहुत मेरी पेंटिंग खरीदी वहाँ पर। देश की शाइस्ता और सखावत के खजाने में ना जाने कितने मांगीलाल जैसे फनकार मौजूद हैं। सरकार मुझे बार बार मेलों में लाकर मेरी पेंटिंग को बेचा रही है और प्रदर्शनियाँ लगा रही है, इससे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है और मेरा आज इससे मेरा घर भी चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये देश और विदेश में मैं इस कला को लेके जाऊँ और मेरे राजस्थान और मेरे भारत का नाम रोशन करूँ। डियर इन 24 ऐसे ही हुनरमंद लोगों को आप सबके सामने पेश करने की कोशिश में रहता है। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।